सुशांत सिंह केस में बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई आज सुशांत केस में संदीप सिंह से पूछताछ कर सकती है, जो बीती रात दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं। ये संदीप सिंह वही हैं जो रिया चक्रवर्ती को सुशांत की मौत के बाद मुंबई के कपूर अस्पताल के शवगृह ले गए थे और सुशांत के अंतिम संस्कार तक मौजूद रहे थे। लेकिन अब संदीप सिंह के सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आने के बाद ये बात बेपर्दा हुई है कि संदीप सिंह सुशांत केस की जांच कर रहे मुंबई पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में थे। तो आज संदीप सिंह के से पूछताछ हो सकती है और हमारे सहयोगी संदीप सिंह के घर से मुंबई से लाइव मौजूद हैं विवेक, उनके पास चलते हैं। विवेक, अब संदीप सिंह पर भी शक की सुई घूम रही है, जो कॉल डिटेल्स सामने आई है, तो आज जो पूछताछ होगी वो काफी अहम साबित होगी। बिल्कुल सही कहा जसप्रीत आपने। देखिए, संदीप सिंह एक ऐसा शख्स है जो शुरू से ही सवालों के घेरे में है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो कॉल डिटेल्स निकाले गए थे उसमें साफ तौर पर पता चल रहा था कि संदीप सिंह लगातार मुंबई पुलिस के संपर्क में था और जो एम्बुलेंस सुशांत सिंह के घर पर पहुंची थी उसके ड्राइवर और मालिक से वो 16 जून को भी संपर्क में था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी और 16 जून तक वो संपर्क में था। उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार संदीप सिंह इन लोगों के संपर्क में क्यों था। यही वजह है कि लगातार 15 दिन संदीप सिंह का फोन बंद था, तो शक और भी ज्यादा गहरा रहा है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई जल्दी संदीप सिंह को समन जारी कर उसे पूछताछ के लिए बुला सकती है। मैं आपको संदीप सिंह का घर दिखाना चाहूंगा। सोरेंटो अपार्टमेंट है ये, मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में। इसी जगह पर संदीप सिंह अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और बताया जा रहा है कि कई दिनों तक वो अपने घर में मौजूद नहीं थे और देर रात वो दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई पहुंचने के बाद सीधे अपने घर पहुंचे हैं। उनसे जो लोग हैं यहाँ पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि संदीप सिंह देर रात यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अभी भी उनका जो फ़ोन है वो लगातार बंद आ रहा है। उनसे बात करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि संदीप सिंह कौन से फ्लोर पर रहते हैं यहाँ पर? तो कल वो लोग आए थे यहाँ पर, कोई पुलिस आई थी यहाँ पर? मालूम नहीं, बाहर गई, कोई पुलिस नहीं आई थी यहाँ पर? बाहर गई। तो ये देखिए, सिक्योरिटी गार्ड से जो कैमरे पे ज्यादा कुछ नहीं बोले, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई पुलिस मौजूद नहीं थी, लेकिन संदीप सिंह इसी सोरेंटो अपार्टमेंट में मौजूद हैं और जल्द ही सीबीआई हो सकता है कि उनसे पूछताछ करके उनको यहाँ से लेकर जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस है जहाँ पर सभी लोग से पूछताछ हो रही है वहाँ पर बिल्कुल। तो कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने हैं संदीप सिंह से, और आज संभव है कि पूछताछ होगी। विवेक, आप नजर बनाए रखिए। बढ़ते हैं आगे। ग्रीस में एक तलाशी और बचाव अभियान के तहत हल्की नाम के एक छोटे द्वीप के पास से 96 लोगों को नाव और हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया। इन सभी लोगों को एक नाव से अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। बताया गया कि नाव से एक लड़के ने उन्हें फोन पर बचाने की अपील की थी, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अभियान चलाया गया। बचाए गए लोगों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस मामले में मानव तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना संकट